तो यार क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूँ डीडी आपका यार, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं अपने ऐप्स को लॉक अपने आईफोन पे फेस आईडी और पासकोड की मदद से। इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं शॉर्टकट्स को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे स्टेप्स को नोट डाउन करना। इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, इसके लिए आपको ओपन करना है शॉर्टकट्स का ऐप, और उसके बाद जाना है ऑटोमेशन वाले सेक्शन में, और यहाँ पे क्रिएट करना है एक पर्सनल ऑटोमेशन। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है ऐप। इसको आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके रखना है इज ओपन्ड, और यहाँ पे चूज बटन पे क्लिक करके आप मल्टीपल ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस डेमो के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अमेजोन, और इसके साथ साथ हम सेलेक्ट करेंगे ऐप स्टोर को। प्रेस करेंगे डन पे, इसके बाद प्रेस करेंगे नेक्स्ट पे, इसके बाद प्रेस करेंगे हम ऐड एक्शन पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे टाइमर, क्लिक करेंगे स्टार्ट टाइमर पे, और इसको एडिट करेंगे, कर देंगे इसको 1, और मिनट को हम कर देंगे सेकंड। इसके बाद प्रेस करेंगे नेक्स्ट पे, और एज यूजुअल आस्क बिफोर रनिंग को हम डिसेबल कर देंगे। इसके बाद हम ओपन करेंगे क्लॉक का ऐप, और इसके बाद जाएंगे हम टाइमर वाले सेक्शन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है व्हेन टाइमर एंड्स का। इसको करेंगे सेलेक्ट, और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और चूज करेंगे ऑप्शन स्टॉप प्लेइंग का। इसको करेंगे सेट। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे हम अमेजोन का ऐप। तो आप देख सकते हैं कि ऐप ओपन हो गया है, लेकिन स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉक हो गया है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा फेस आईडी, और उसके बाद अनलॉक करना पड़ेगा अपना फोन। अब आप एक्सेस कर सकते हैं अमेजोन को। ऐसे अगर हम ओपन करते हैं ऐप स्टोर को, तो आप देख सकते हैं कि ऐप स्टोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, और हमें अनलॉक करना पड़ता है हमारा फोन ताकि हम एक्सेस कर सकें ऐप स्टोर को। अगर आप ये नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं अपने होम स्क्रीन पे, तो इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है स्क्रीन टाइम वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे क्लिक करना है सी ऑल एक्टिविटी पे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है लास्ट में, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, आपको प्रेस करना है शो मोर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वीक के साइड में एक ब्लू बटन है, उसको प्रेस करना है, और उसके बाद आपको दोबारा प्रेस करना है इस राइट वाले ब्लू बटन को। अब आप देख सकते हैं कि आप शॉर्टकट्स को एडिट कर सकते हैं। जाएंगे शॉर्टकट्स में, और इसके बाद नोटिफिकेशन को हम डिसेबल कर देंगे। अब अगर आप ओपन करते हैं अमेजोन को, तो आप देख सकते हैं कि ऐप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, और आपको सिर्फ होम स्क्रीन नजर आता है। दोबारा से इसको अनलॉक करेंगे फेस आईडी से, और उसके बाद हम एक्सेस कर सकते हैं अमेजोन ऐप को। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और यार शेयर करते रहना सबके साथ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और मुझे डेफिनेटली फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पे मैं ऐसे वाले वीडियोस लाते रहता हूँ। यहाँ तक आ गए हो तो यहाँ पे मेरे कुछ और वीडियोस हैं जिनको देख के आप कुछ नया सीख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबाना भूलना मत। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और व्यस्त रहिए।